सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कानूनी टीम से मुशावरत की। अता तारर कहते हैं हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है कि हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आईनी टीम से मुशावरत। कानूनी माहरीन ने हमजा शहबाज को इस्तीफा न देने का मशवरा दे दिया। हमजा शहबाज को ब्रीफिंग दी गई कि तफसीली फैसला मिलने के बाद कोई इकदाम किया जाए। आईनी माहरीन का कहना था कि गवर्नर आईनी इख्तियार रखता है कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहे। कायम मकाम गवर्नर का ओहदा संभालते ही पंजाब में डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब असेंबली के खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एतमाद के वोट के अदालती फैसले पर अमल करने में वक्त दरकार होगा। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है, तफसीली फैसले का इंतजार है। एडवाइजरी ओपिनियन है और एडवाइजरी ओपिनियन की अभी डिटेल्ड ऑर्डर आएगा। हमजा शहबाज शरीफ साहब 100% वज़ीर आला पंजाब हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। 26 अराकीन का केस इलेक्शन कमीशन के पास है, उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। नून लीग रहनुमा का मजीद कहना था सदर पाकिस्तान गवर्नर पंजाब के मामले में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ये कहते हैं कि पहले भी हर इकदाम आइन और कानून के मुताबिक किया, आइंदा भी आइन और कानून के तहत ही चलेंगे। फातिमा शिराजी हमारे साथ।